भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शरणागत का मतलब यह होता है कि आप जिसके शरणागत होते हैं उसकी आज्ञा का पालन करें। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें उनकी आज्ञा जाननी पड़ेगी, उनकी आज्ञा क्या है। और उनकी आज्ञा भगवत गीता में बड़े स्पष्ट रूप में, वैसे तो वेदों में उनकी आज्ञा है, परंतु वेद इतने इतने ज्यादा हैं, इतने अधिक हैं कि उनको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। और आपकी जानकारी कि जीव गोस्वामी जी ने तत्व संदर्भ में बताया कि 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं कलयुग के अंदर, तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद्गीता के रूप में हमें दिया। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना चाहते हैं तो आपको उनकी आज्ञा का जानना पड़ेगा, फिर उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको भगवद्गीता जाननी पड़ेगी। इसलिए हम आपके लिए 14 घंटे के अंदर कंसाइस रूप में सरलता से हमने आपको पूरी भगवद्गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करके समझाया है, तो आप उसको मंगवा सकते हैं। अब शुरुआत कैसे करें? अभी इमीडिएटली। तो भगवान ने गीता में, भागवतम में, समस्त वेदों में यही कहा है कि कलयुग के अंदर कि आपको क्या लेना चाहिए? भगवान के नाम। अब कौन से नाम लें? कली संतरण उपनिषद में बताया गया है, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर ये 16 शब्द जो हैं, 16 नाम जो हैं, ये बड़े इफेक्टिव हैं। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए। जप का मतलब उच्चारण करिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहुत आवश्यक है। मन में मत करिएगा, और उंगली पे गिन सकते हैं, कम से कम 108 बार तो उंगली पे गिनिए, उंगली पे करिए। और यदि आपको और हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर से वही एड्रेस contact@givegita.com।